हाय फ्रेंड्स, ग्रेट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ मैं लेकर आ चुका हूँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशंस की कंप्लीट एडमिशंस प्रोसीडियर जो है शेयर कर चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ कि कब से कब तक फॉर्म फिलअप होगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, 3 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको कौन सा डिग्री मिलेगा, ऑनर्स या मेजर, साथ ही साथ या 4 ईयर के ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स होंगी या मेरिट बेस्ड होंगी, ठीक है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जादवपुर यूनिवर्सिटी की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए साइंस और आर्ट्स की अलग इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको साइंस को लेकर बताने वाला हूँ, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स होने वाली है जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2023-24 सेशंस के लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन बेसिक बताऊंगा वो साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में ही रिलेटेड जो है आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो है चेंज हो चुके हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 10+2 वाले जिनकी कंप्लीट हो चुके हैं, आप चाहे ICSE, CBSE या वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो अप्लाई आप इजीली कर सकते हैं, या अदर किसी बोर्ड से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अगर इनकम्प्लीट रखिएगा तो आपको जो है उसको कैंसिल माना जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 4 साल की अंडर ग्रेजुएट कोर्स एज पर जिस तरीका से यहाँ पर एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और वेस्ट बंगाल की जो नोटिफिकेशन आई थी उनके अकॉर्डिंग ही जो है 4 ईयर की आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगी, ठीक है। अगर आप 4 साल की प्रॉपर अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेते हैं तो आपको ऑनर्स डिग्री दिए जाएंगी, अगर आप 3 साल करके छोड़ देते हैं तो आपको मेजर डिग्री दी जाएंगी, ऑनर्स डिग्री भी नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन था कि मैं 3 साल तक करूँ तो क्या मुझे जनरल डिग्री मिलेगा, जनरल भी नहीं मिलेगा, आपको मेजर डिग्री मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लैटरल एंट्री जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में वो अलाउ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ डिसिप्लिन माइनर टू मेजर वो अलाउ नहीं है, ठीक है, वो भी जो है अलाउ नहीं है। आपको एक ही डिसिप्लिन को लेना है, आप जिस भी बैकग्राउंड से करें, जिस भी सब्जेक्ट से करें। इसके बाद आप जब सेलेक्टेड होंगे आपकी सभी कुछ जो है डॉक्यूमेंट में वहाँ पे सब कुछ चेक किए जाएंगे एडमिशन के दौरान, अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाया गया तो आपको कैंसिल कर दिए जाएंगे आपके एडमिशन प्रोसीडियर को। फॉरेन कोटा के लिए यहाँ पे अलग से एक इन्फॉर्मेशन से वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी टेन्योर मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स एडमिशन की वो UGC के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। किसी भी बोर्ड में अगर सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, क्योंकि मैं अभी वर्क पे हूँ और वर्क पे रहते ही जो है आप लोगों के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी एक लाइव बनता है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी भी बोर्ड में अगर मार्क्स नहीं ग्रेड के अकॉर्डिंग अगर दिए हैं तो उसको आप मार्क्स में कन्वर्ट करके जो है पुट कीजिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन के दौरान। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या जूलॉजी साइंस करेंगे तो 10+2 कंप्लीट रहनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स होनी चाहिए एटलीस्ट इसमें 75% और एवरेज आपकी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप एलिजिबल हो सकते हैं तभी। ओबीसी के लिए यहाँ पे 67.5% मांगे गए हैं, ठीक है, और बेस्ट ऑफ 3 आपकी होनी चाहिए। SC ST के लिए 56.5 जो है माना गया है यहाँ पर। इसके बाद देखिए मैथ अगर आप करना चाहते हैं तो मैथ के लिए भी सेम मैथ और Any 2 सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस या स्टैट्स में एटलीस्ट आपके 75% मार्क्स होना चाहिए। OBC के लिए 60.75, SC के लिए 56.25। वहीं अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स करेंगे तो ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए भी आपकी मैथ और कोई भी 2 अदर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी जियोलॉजी स्टैट्स और इकोनॉमिक्स एटलीस्ट आपकी 75% मार्क्स होना चाहिए, और OBC और SC के लिए जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। SC ST की जो भी कैटेगरी है वो वेस्ट बंगाल की स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल कैंडिडेट में एज ए ट्रीट होंगे, ठीक है। इसके बाद OBC की भी सेम, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट कोटा भी गाइस आपको दी जाएंगी अगर आप नेशनल लेवल से खेले हुए हैं, ठीक है। अगर आप ओलंपिक्स से यूथ अफेयर से हैं तो आपको भी जो है स्पोर्ट कोटा जो है दिए जाने वाले हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मेरिट एंट्रेंस एग्जाम जो होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन होने वाला है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट यहाँ पे 23/6/2023 है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट एप्लीकेशन और 25 तक जो है आप अपना फीस को पेमेंट कर सकते हैं, और स्पोर्ट कोटा के लिए जो है 14/7/2023 तक जो है सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडमिशन टेस्ट की जो है रिपोर्ट दे दी है, जैसे फिजिक्स के लिए 14 तारीख को होगा, टाइम यहाँ पे 11 से 1,
मेन कैंपस में ही होंगे। जादवपुर की टेस्ट केमिस्ट्री के लिए भी 14 तारीख को होगा 2:30 से 4:30 के बीच। मैथ्स के लिए 13 तारीख को होंगे 11 से लेकर 1 के बीच। ज्योग्राफी के लिए 13 तारीख को होगा 2:30 से लेकर 4:30 के बीच, ठीक है। और मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखिए दे दी है। जियोलॉजी के लिए जैसे 20 तारीख को आएंगे 6 बजे के बाद, और अदर डिपार्टमेंट के लिए भी 20 तारीख को आएंगे 6 बजे के बाद। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ में प्रोवाइड करते रहूँ। अगर आप एडमिशन टेस्ट नहीं देंगे एग्ज़ाम फीस की, तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम के दौरान आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना है, और ऑफिशियल वेबसाइट और सभी कोविड के नियम को जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब आर्ट्स डिपार्टमेंट वालों के बारे में बता देता हूँ। देखिए जो वहाँ पे मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताया वो सभी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेम होंगे। सीधा एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात कर लूँगा। देखिए अगर आप बंगाली आर्ट्स करना चाहते हैं तो जनरल कैंडिडेट 65% एडिकेट और 65% आपकी बंगाली में होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 48 और 48 होना चाहिए आपकी एडिकेट, और बंगाली में ओबीसी के लिए 58 और 58 होना चाहिए। यहाँ पे कंपेरेटिव लिटरेचर की बात करूँ तो 70 मार्क्स एडिग्रेड और 70 मार्क्स आपकी मार्क्स में होने चाहिए। वहीं ओबीसी एससी एसटी के लिए 52, ओबीसी के लिए 63 और 63 आपकी होनी जरूरी है। इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे 80% एडिग्रेड, 80% आपकी मैथ अप्लाइड मैथमेटिक बिजनेस मैथमेटिक में होनी चाहिए, ठीक है। या 60% आपकी एससी एसटी है तो, और ओबीसी है तो 72 और 72 आपकी होनी चाहिए एडिग्रेड या मैथ्स में, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स के लिए एडिग्रेड में आपकी एटलीस्ट 75% होनी चाहिए, एससी एसटी है तो 56, ओबीसी है तो 67। हिस्ट्री के लिए 80%, एससी के लिए 60%, 72% ओबीसी के लिए। फिलोसॉफी के लिए 65%, 48% एससी एसटी के लिए, 58% ओबीसी के लिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए 65% एडिग्रेड, 48% एससी एसटी के लिए, 58% ओबीसी के लिए। संस्कृत के लिए यहाँ पे देखेंगे तो एडिग्रेड में आपकी 70% होना चाहिए और 75% आपके संस्कृत में होना चाहिए। वहीं पे एससी एसटी के लिए 52% एडिग्रेड और 56% संस्कृत में आपकी होनी चाहिए। ओबीसी में 63% एडिग्रेड और विथ 67% संस्कृत में आपकी होनी चाहिए। सोशोलॉजी की बात करूँ तो 80% एडिग्रेड, 80% आपकी एस सी एस टी में, और 72% जो है आपकी ओबीसी में होनी चाहिए। बाकी जो मैंने आपको वहाँ पे आगे बताया वही सब। तो आर्ट्स के किस तरीके से यहाँ पे सलेक्शंस होगी वो समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं साइंस में यहाँ पे फुल टेस्ट की सब बेसिस में सलेक्शंस होगा, लेकिन साइंस के लिए ऐसे नहीं होगा दोस्तों। देखिए इकोनॉमिक्स के लिए 50% आपकी एच एस की एडिग्रेड परसेंट से ली जाएंगी, और 50% मार्क जो है आप जो टेस्ट देंगे एडमिशन टेस्ट उससे ली जाएंगे। वहीं कंपेरेटिव लिटरेचर के लिए 20% मार्क्स आपकी एडिग्रेड से ली जाएंगी, और 30% मार्क्स आपकी जो है बेस्ट 2 मार्क्स होंगी उसकी ली जाएंगी, और 50% जो है आपकी टेस्ट से लिए जाएंगे, ठीक है। वहीं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस फिलोसॉफी और सोशल साइंस जैसे 50% मार्क्स आपकी एडिग्रेड से ली जाएंगी एचएस की, और 50% मार्क्स आपके टेस्ट से लिए जाएंगे। बंगाली के लिए भी यहाँ पे 50% मार्क्स एचएस से लिए जाएंगी, ठीक है, जो बंगाली और इंग्लिश होंगी आपकी, और 50% मार्क्स आपकी टेस्ट से जो है लिए जाएंगी, ठीक है। वहीं इंग्लिश के लिए भी देखेंगे 50% मार्क्स एचएस से, 50% मार्क्स टेस्ट से। संस्कृत के लिए भी सेम, ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री के लिए भी सेम यहाँ पे, ठीक है। और कैंडिडेट जो है एटलीस्ट यहाँ पे ए पार्ट में आपके 60% स्कोर करना होगा, और बी पार्ट में जो है वो एसएस रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप एग्रीगेट परसेंटेज को कैलकुलेट कीजिएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं तो देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हैं तो देखिए यहाँ पे बीए इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं उसके लिए है सिर्फ बेस्ट ऑफ 3 आप लेंगे, इस सब छोड़ के मैथ इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन को छोड़कर, ठीक है, आउट ऑफ 4 कीजिएगा, जितना आएगा वो आप एग्रीगेट परसेंटेज होगा। बंगाली के लिए यहाँ पर बेस्ट ऑफ 2 लीजिएगा, ठीक है, आप जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं उसको हटा दीजिएगा, इंग्लिश इन्वायरमेंटल साइंस को एक्सक्लूड करके हटा कर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, और उसमें जो है आपकी जो आएंगे आउट ऑफ 4 वो आपकी जो होंगे, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट ऑफ 4 सिर्फ यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडी और इन्वायरमेंट एजुकेशन को हटा दीजिएगा, ठीक है। ICSE एंड CBSE वालों के लिए यहाँ पे बता दिए हैं कि एग्रीगेट बेस्ट ऑफ 3, ठीक है, प्लस आपकी मैथ की जो है वो लीजिएगा हटाकर, ठीक है। बंगाली के लिए भी वही है, और अदर्स के लिए यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 आपकी जो होंगे वो आप जो है अप्लाई कर। देखिए आर्ट्स डिपार्टमेंट वालों की बात करूँ तो एप्लीकेशन यहाँ पे 23 जून लास्ट है यहाँ पर, और जो एडमिशन टेस्ट जो है फीस पेमेंट का वो भी यहाँ पे 25 तारीख तक कर सकते हैं, और लास्ट डेट ऑफ स्पोर्ट कोटा जो सबमिशन्स होंगे सर्टिफिकेट का वो 18 जुलाई है, ठीक है। इनकी एडमिशन टेस्ट की गाइस बात करूँ, देखिए बंगाली के लिए यहाँ पे 12 तारीख को होंगे, कंपेरेटिव लिटरेचर के लिए यहाँ पे 14 को होंगे, इकोनॉमिक्स के 13 को होंगे, इंग्लिश के लिए 18 को होंगे, हिस्ट्री के लिए 12 को होंगे, फिलोसॉफी के लिए 14 को होंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पे 13 को होंगे, संस्कृत के लिए 10 तारीख को होंगे, और यहाँ पे सोशोलॉजी के लिए यहाँ पे 10 जुलाई को होंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हो, और सभी टेस्ट जो है वो मेन कैंपस में ही होंगे आर्ट्स डिपार्टमेंट वालों को भी, ठीक है।
तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे। आप लोग बहुत दिनों से जो वेट कर रहे थे जादवपुर यूनिवर्सिटी को यूजी की एडमिशन्स के लिए, कब से कब तक क्या होंगे, तो सभी जो भी इंफॉर्मेशन्स थे मैंने आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। और हाँ, जो यहाँ जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो है 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो रही है, ठीक है, अगर आप 3 ईयर में छोड़ देते हैं तो आपको मेजर डिग्री मिलेंगी, ऑनर्स डिग्री भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप सोच कर जो है अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी अभी भी क्वेरी है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।